हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2023 जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए जो एग्जाम हुआ है 2 अक्टूबर में, उसमें जो मॉडल आंसर की ऑफिशियली नोटिफाई की है जेकेपीएससी ने, उसमें जिन भी क्वेश्चन में डाउट्स हैं, जिनमें आपको रेफरेंसेस की जरूरत पड़ सकती है, वो मैंने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मैं आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉयड ऐप है उसकी स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगा शाम तक आफ्टर कंपाइलिंग। अगर इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे भेज दीजिएगा, आई विल गेट इट एडेड एंड गेट इट अपलोडेड ऑन दी स्टडी मटेरियल सेक्शन। सो जो ऐप का लिंक है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है फॉर पीडीएफ डाउनलोड। दिस इज द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस दी आईएएस गेटवेज ऐप, या आप जो आपका एंड्रॉइड फोन है उस पर आप प्ले स्टोर पर जाके भी सर्च करोगे तो यू विल गेट दी एक्सेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहे हैं ये सीरीज ए के क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और लास्ट डेट जो है ऑब्जेक्शन रेज करने की वो 5 अक्टूबर है। सो अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिए इनके सर्टेन जो फॉर्मेट है उसपे। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी पार्ट वन में मैंने डिटेल में वीडियो डिस्कशन किया था, इसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो स्टेटमेंट वन है इसकी मार्किंग इन्होंने नहीं की है। ऑप्शन में आपका स्टेटमेंट फोर भी दिखा रहा है बट देर इज नो स्टेटमेंट फोर। तो यहां पर इन्होंने मॉडल आंसर की जो दी है उसमें स्टेटमेंट नंबर जो पड़ा हुआ है वो गलत है, तो स्टेटमेंट थ्री एंड फोर आर करेक्ट। तो इसमें जो स्टेटमेंट है ये बार में मैंने बताया कंप्रेसिव होगा और स्ट्रेस इन स्टील विल बी इनसाइड। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए कर दिया है, इन्होंने आंसर की 3, 2 एंड 4 दिया जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिएगा, एरेनियस क्वेश्चन, ऑप्शंस नॉट फ्रेम्ड एज पर क्वेश्चन डाटा। ठीक है, तो विल मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन विल बी डिलीटेड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन फ्रेम शोज अ पोर्टल फ्रेम, विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एमबीए एमसीडी ड्यू टू साइड स्वे। तो यहां पर जो आपकी ये स्पैन है, सीडी वाला स्पैन है, इसकी लेंथ आपको नहीं दी हुई है। तो मॉडल आंसर की इन्होंने 1 तो दे दिया है और यहाँ पे जो सपोर्ट दिखाया हुआ है इसको ये फिक्स दिखाया हुआ है। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा एंड फिक्स है कौन सा एंड हिंज्ड है, बिकॉज दोनों ही फिक्स्ड दिखाए हुए हैं। तो फिक्स्ड एंड्स आर नॉट क्लियर, एक ए बी इशू है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपका कि कैसे हमारी जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं वो लेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं। बीसी पुनमिया की थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की पेज 224 बुक में आप देखोगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि बोथ एंड्स फिक्स्ड हैं तो आपका जो रेशियो है बेंडिंग मोमेंट्स का वो कुछ इस तरह है, विच इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन बोथ द लेंथ एंड बोथ द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। बट यहां पर क्या हो रहा है, एक लेंथ गैप है। ठीक है, और सपोर्ट कंडीशन भी हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एक एंड फिक्स है दूसरा एंड हिंज है, तो वो आप अकॉर्डिंगली इस बुक का इसी पेज के आगे नेक्स्ट आपका रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आईएस 2212 नॉमिनल थिकनेस ऑफ 1.5 मॉड्यूलर ब्रिक की जो वॉल की थिकनेस है वो आपकी, इन्होंने जो आंसर दिया है वो 29 सेंटीमीटर दे दिया है, बट करेक्ट आंसर की जो है करेक्ट आंसर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। रेफरेंस के लिए आप ब्रिक वर्क्स कोड ऑफ प्रैक्टिस का ये रेफरेंस देखेंगे। तो नॉमिनल थिकनेस ऑफ वॉल को कैसे डिफाइन करते हैं कि एक फिक्शियस डायमेंशन है, फिक्शियस का मतलब है काल्पनिक इमेजिनरी डायमेंशन है, विच इज नाइदर द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल, जिसमें हम सरफेस फिनिशेस और प्लास्टर रेंडरिंग की थिकनेस को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। तो प्लास्टर की थिकनेस जो हमारा मोर्टर जॉइंट की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, मॉडुलर ब्रिक्स में अगर वो 1 सेंटीमीटर का अलाउंस लेते हैं तो जो नॉमिनल थिकनेस है 1.5 ब्रिक वॉल के लिए 30 सेंटीमीटर है और एक्चुअल थिकनेस जो है वो 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रिजर्वायर्स हैं डिफरेंट वाटर लेवल से उनमें और 2 पाइप है ए और बी, वो पैरेलली कनेक्टेड है, डायमीटर जो ए का है वो डायमीटर बी के डायमीटर से डबल है।
तो फ्रिक्शनल लॉस जो होगा दोनों पाइप्स में हमारा सेम होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इन्होंने सही आंसर की दी है, रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो आर के बंसल की बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व्ड है। यहाँ पे सेम अरेंजमेंट है, यहाँ पे डायमीटर भी देखिए आपका डायमीटर डी टू जो है वो डी वन का डबल है, लेंथ सेम है। तो व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द लॉस ऑफ हेड विल बी सेम इन बोथ पाइप्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन थी उन्होंने, तो इस वजह से मैंने क्लैरिफाई कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वार्ट्ज इज द ग्रीसी लक्ष्य, रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो क्वार्ट्ज है ये ग्लासी लक्ष्य या ग्रीसी लक्ष्य का होता है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फेल्डस्पर जो है एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं जिसमें पोटैश सोडा और लाइम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लास इंडस्ट्री की बुक है जिसमें लिखा हुआ है जो फेल्डस्पर है दिस इज अ एल्यूमिनियम सिलिकेट जिसमें हमारे सोडियम और पोटेशियम कंपोनेंट्स है। जो क्वार्ट्ज है यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्ट्ज इज हैवियर देन सॉलिड सर्फेस, इन फैक्ट क्वार्ट्ज सर्फेसेस आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल इटसेल्फ व्हिच इज मोर ब्रिटल, इट इंडिकेट्स कि वो सॉफ्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है स्टोन विथ लार्ज परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज इज वेरी सॉफ्ट, एक्चुअली इट इज वेरी ब्रिटल एंड हार्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन स्टेटमेंट सी है ये हमारा करेक्ट है। तो इन्होंने जो आंसर की दिया है वो सही है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेस करने हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन स्टेटमेंट बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट। जो पार्टिकल साइज और टेक्सचर है इन्होंने दिया है कि ये अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी, ये सही है। जो अब्सॉर्प्शन सरफेस मॉइस्चर है वो मिक्स प्रोपोर्शन होते हैं जो कंक्रीट के उसको अफेक्ट करता है, ये भी सही है। कैसे अफेक्ट करता है कि जो सरफेस मॉइस्चर है वो बिकम्स अ पार्ट ऑफ मिक्सिंग वाटर, ठीक है, स्लम्प को अफेक्ट करेगा। तो जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है मिक्सचर का वो आपका प्रोपोर्शनिंग उसको अफेक्ट करेगी। तो यहां पे NRMCA का मैंने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक का आप यूज कर सकते हो और कंटेंट जो है इस PDF का स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, एग्रीगेट मॉइस्चर एंड मेकिंग अप एडजस्टमेंट, जिसमें क्लियरली लिखा है कि जो सरफेस मॉइस्चर है मेक्स अ पोर्शन ऑफ मिक्सिंग वाटर अफेक्ट स्लम्प एंड इज इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग द वाटर सीमेंट रेशियो मिक्स ऑफ द मिक्सचर। तो बैरी एडवांस कंस्ट्रक्शन की बुक में भी कहा गया है कि जो शेप एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन एग्रीगेट अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा कि दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 456 के अकॉर्डिंग हमें थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ बतानी है कंप्रेशन मेंबर की, जहां पे एक एंड हमारा फिक्स्ड है और रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेन है, और दूसरा एंड हमारा रोटेशन के अगेंस्ट तो रिस्ट्रेन है लेकिन पोजीशन में हेल्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रोटेशन नहीं अलाउड होगा तो इसका कुछ शेप ऐसे बनेगा, ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड बट लिटरली इट कैन मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो ऐसी सिचुएशन में जो थ्योरेटिकल लेंथ है वो 1.L होती है, ठीक है, दिस इज द टोटल लेंथ, और हमारी जो डिजाइन वैल्यू है वो 1.2L होती है। तो करेक्ट आंसर इसका 1L होगा, इन्होंने ऑप्शन ए दिया विच इज नॉट करेक्ट। रेफरेंस के लिए मैंने IS 456 की जो टेबल 28 है इसमें जो आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे दिस लैंग्वेज एग्जैक्टली मैसेज विद अ क्वेश्चन दिस इज द डायग्रामेटिक स्कीमेटिक डायग्राम, तो 1L इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो यहां पर देख रहे हैं आप दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू 1L हो गई और रिकमेंडेड वैल्यू 1.2L हो गई, तो करेक्ट आंसर हमारा वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीकल इज सेफ फ्रॉम ओवरटर्निंग, एक हमारी ये कंडीशन है कि ओवरटर्निंग नहीं हो रही है, दूसरा है कंडीशन ये है कि व्हीकल जो है वो स्किड कर रहा है, स्किड करते समय ओवरटर्न नहीं हो रहा है। तो दोनों चीजें हैं, पहला केस ये हो गया कि व्हीकल ओवरटर्निंग में इंडिपेंडेंटली सेफ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो एक्सेसिव नहीं है, वो बैलेंस आउट हो रही है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब व्हीकल स्किड कर रहा है उस समय व्हीकल ओवरटर्न नहीं कर रहा था, उसके लिए अगर आप जस्टो खन्ना की रेफरेंस बुक देखेंगे तो वहां पे ओवरटर्निंग इफेक्ट के बारे में ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ ओवरटर्निंग व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पी बाई डब्ल्यू अटेन्स अ वैल्यू ऑफ वी बाई टू एच। तो इसका मतलब जब तक हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पी बाई डब्ल्यू या वी स्क्वायर बाई जी आर लेस देन वी बाई टू एच रहेगा तब तक हमारा ये ओवर टर्निंग के अगेंस्ट हमारा ये सेफ है। तो ये कंडीशन तो फॉलो ही करनी है इंडिपेंडेंटली व्हीकल को अगर ओवर टर्निंग प्रिवेंट करना है, लेकिन अगर आपका ओवर टर्निंग के साथ
स्लाइडिंग स्किडिंग के साथ हमारा ओवर टर्निंग ना हो, तो यहां पर ये लिखा हुआ इन सच अ केस द व्हीकल वुड स्किड, स्किड करेगा बट ओवर टर्न नहीं करेगा इफ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज लेस देन वी बाई टू एच। तो यहां पे दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो बी बाई टू एच यहां पे ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन्होंने आंसर जो दिया है इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। अगर यहां पर सिर्फ सेकंड कंडीशन दी होती तो केवल हमारा ऑप्शन टू से करेक्ट काम चल जाता जो स्टूडेंट्स ने मार्क किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ए ही होगा। एस्ट्रो खन्ना का रेफरेंस आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फेलियर इन कंक्रीट पेमेंट्स। तो मोड ऑफ फेलियर जो है कंक्रीट पेमेंट्स में पंपिंग फेलियर, दिस इज अ वन ऑफ द फेलियर जिसकी वजह से हमारा सब ग्रेड फेलियर होता है। तो इट इज वन ऑफ द फेलियर, इन्होंने इसको ऑप्शन ए दिया है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर जो है रिफ्लेक्शन क्रैकिंग है। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग एक्चुअली बिटुमिनस ओवरलेज में होता है जो कंक्रीट पेमेंट्स के ऊपर हम ले करते हैं, ठीक है। कर्लिंग पेपर्स भी हमारा कंक्रीट पेमेंट्स में होता है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस इंड्यूस फेलियर्स भी हमारे कंक्रीट पेमेंट्स में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया हुआ है कि रिजिड पेमेंट्स जो है वो टू मोड्स ऑफ फेलियर होते हैं, फैटीग और इरोजन। जो मड पंपिंग वाला क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मड पंपिंग का मैंने लिखा हुआ है कि जो डिफरेंट फेलियर्स हैं जिसकी वजह से हमारा फेलियर हो सकता है यहां पर ये मेंशन्ड है। दीज आर द रीजंस कि हमारा रेजिस्ट इरोजन ऑफ सबग्रेड ड्यू टू मड पंपिंग एक्शन सिंस कंक्रीट पेमेंट्स फेल ड्यू टू एक्सेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। बट हमारा अगर डायरेक्टली सबग्रेड के ऊपर रख दोगे तो मड पंपिंग से भी फेलियर होने के चांसेस हैं। तो ये इसका रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा, ये आईआईटी की प्रोफेसर की एक बुक है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्रैकिंग का जो कंसेप्ट है वो आईआरसी 82 है 2015 का, जहां पर रिफ्लेक्शन क्रैकिंग लिखा हुआ है कि दीज आर द सिंपैथेटिक क्रैक्स। आप देख पा रहे हो कि दे अपियर इन बिटुमिनस सर्फेसिंग, क्लियरली लिखा है कि ये बिटुमिनस सर्फेसिंग पे होते हैं ज्वाइंट्स के ऊपर, ठीक है। और भी डिटेल में थोड़ा पढ़ोगे तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन बिटुमिनस ओवरलेज ऑन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स और सीमेंट स्वैल बेसिस। दे आल्सो अकर इन ओवरलेज आर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, ठीक है। तो ये क्लियरली है, तो कंक्रीट पेमेंट्स में ये वाला डिफेक्ट हमारा जो मोड ऑफ फेलियर है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग बनता है। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। इन्होंने ऑप्शन ए दिया है, स्टेटमेंट करेक्ट है। रेफरेंस के लिए एनपीटीएल की वेबसाइट पे आप देखोगे कि सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है वो 12,000 से 18,000 लीटर पर डे पर स्क्वायर मीटर टैंक एरिया होता है। तो यहाँ पर डे है तो इसको 24 से अगर आप डिवाइड करोगे तो एक्जैक्टली 500 to 750 लीटर पर स्क्वायर मीटर बनेगा। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एल्कलिनिटी है नेचुरल वाटर्स में वो क्यों होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में को ऑप्शन ए में डाउट है, बट ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अगर ये सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस होता तो ये करेक्ट हो जाता, बट ये गलत है जो इन्होंने एग्जिस्टिंग में दिया। रेफरेंस के लिए आप देखोगे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इंजीनियरिंग श्याम किशोर अग्रवाल की पेज 235 बुक पे लिखा है एल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर इज ड्यू टू फ्री हाइड्रोक्सिल आयंस व्हेन अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज हाइड्रोलाइज, ठीक है। इट फॉर्म्स द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। दूसरा रेफरेंस देखता हूं मैं आपका मैंडेटरी ऑयल इंपोर्ट प्रोग्राम की यूनाइटेड स्टेट्स की एक बुक है। तो यहां पर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एल्किनिटी है दिस इज मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी, एल्किनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सॉल्ट्स। तो अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये कंटेंट ये लिखा हुआ है द एल्किनिटी ऑफ वाटर्स is due principally to salts of weak acids or strong bases, ठीक है। so weak acids or strong bases, it's a measure of its capacity to neutralize acids। यहां पर ये भी mention है alkalinity of natural waters is due primarily due to salts of weak acids, although weak or strong bases may also contribute, ठीक है, contribute कर सकते हैं
बट प्राइमरली जो होती है वीक एसिड्स की वजह से होती है, ठीक है। और यहां पर हमारे फोटोसिंथेटिक की वजह से, जो हमारी फोटोसिंथेसिस की वजह से जो एल्गी है हमारी, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करती है, ठीक है। एंड इस कंजम्पशन की वजह से हमारा पीएच बढ़ जाता है, विच इज बेसिकली फिर फर्दर कॉजेस इंक्रीज इन एल्कलिनिटी। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन गलत है, फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्की इन वाटर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर्स। इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ओनली द प्रेजेंस ऑफ फीकल कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरफुली पढ़ने की जरूरत है कि अगर हमें फीकल कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस आपको इंडिकेट करना है और कोई ऑर्गेनिज्म उसमें ना हो, तो कौन सा टेस्ट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो एम्पियन टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसे प्रेजम्प्टिव कोलीफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि हमारा जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हो सकते हैं, बट वो रिजल्ट्स पॉजिटिव अदर देन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से भी आ सकते हैं। इसलिए हम ये कंफर्म होने के लिए कि हमारा वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ही है, तो हम कंफर्म्ड कोलीफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली वन और टू तो आपको परफॉर्म करना ही करना है, अगर आपको ये कंफर्म चाहिए कि ये फीकल और कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज है कि नहीं। कंप्लीटेड कोलीफॉर्म टेस्ट हम बेसिकली ई कोली के लिए करते हैं। आप अगर इसको सेट के फॉर्म में देखोगे तो सबसे पहले आपका ई कोली होता है, इसकी आउटर पेरिफ्री पे हमारा फीकल कोलीफॉर्म होता है और फिर ऊपर हमारा टोटल कोलीफॉर्म होता है। तो टोटल कोलीफॉर्म हमारा प्रेजम्प्टिव टेस्ट से पॉजिटिव अगर आता है तो हो सकता है कि ये हमारा टेस्ट में फीकल कोलीफॉर्म हो या ना हो, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम फीकल कोलीफॉर्म कंफर्म्ड कोलीफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो वन और टू जो है ये हमारे मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। रेफरेंस के लिए मैंने ये आपको mrwa.com एक लिंक दिया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में, जहां पर ये पैराग्राफ एक लिखा हुआ है। यहां पर ये क्लियरली मेंशनड है कि द प्रिजम्प्टिव टेस्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर नॉट एक्सक्लूसिव फॉर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो सिर्फ ये कोई एक्सक्लूसिव टेस्ट नहीं है, ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है सम अदर बैक्टीरिया इन सॉयल और वाटर में आल्सो प्रोड्यूस अ प्रेजम्प्टिव टेस्ट। इसलिए जब ये पॉजिटिव आ जाता है तो बट द कंफर्म टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो कंफर्म टेस्ट क्या कह रहा है, ये हमारा स्पेसिफिक है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के लिए। द कंप्लीटेड टेस्ट यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस डेफिनेटली एस्टैब्लिशेस द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग है मोस्ट पर वाटर सप्लाईज की, वो कंफर्म टेस्ट के बाद हमारा नहीं की जाती। तो दिस इज द मिनिमम टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव सैंपल्स। तो प्रेजम्प्टिव टेस्ट हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ एंड कंफर्म टेस्ट इज द मोर सिलेक्टिव फॉर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन माई ओपिनियन एंड रेफरेंसेज जो बहुत वन एंड टू होगा वो करेक्ट होगा, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेड इज प्रेजेंट इन वाटर इट बेसिकली, जो लेड जब पानी में प्रेजेंट होता है तो यू कैनॉट सी स्मेल और टेस्ट ना, इसका मतलब और जब वो पानी में है लेड तो ना वो ऑर्डर चेंज कर रहा है, ना कलर चेंज कर रहा है, ना टेस्ट चेंज कर रहा है, इसी वजह से आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इसके लिए आपको स्पेसिफिक टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये रेफरेंस है नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल का, इसमें ये लिखा हुआ है यू कांट सी स्मेल और टेस्ट लिड आर सो इवन वाटर दैट रन्स क्लियर कंटेन इट। तो यहाँ पे इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है ऑप्शन बी और सी में, इन्होंने जो आंसर की में दिया है रिमूवल ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर डिसीज, ये बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट चीज है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया लिख रहा है, अगर यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी हो जाता है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके बैक्टीरिया आ रहे हैं, वायरस आ रहा, सिस्ट आ रहा, फंगाई आ रहा है, तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस इन सभी को खत्म कर रहा है। यहां पे ओनली वर्ड लिखने से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, किलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी बुक में आप पढ़ोगे रेफरेंस में तो बोलता है डिसइंफेक्शन, साइंस डायरेक्ट की बुक है, डिसइंफेक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट फ्यू में बैक्टीरियल स्पोर्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉजिंग है, इसी वजह से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर आप देखिए सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज कर रहा है,
ठीक है, ये कई सारे रेफरेंसेस हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट एनसीबीआई की, इसमें कहा गया है डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स मैनी आर मैनी या ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, मैनी या ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होगा, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा बिकॉज में वायरसेस फंगाई भी आ रहे हैं। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली बैक्टीरिया। द प्रोसेस ऑफ किलिंग हार्मफुल एंड ऑब्जेक्शनेबल बैक्टीरिया भी है, सिस्ट भी है एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो कई सारी जगह पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैक्टीरिया यूज किया लेकिन कॉमा में सिस्ट भी यूज किया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज किया जो पैथोजेनिक है, जो डिफरेंट सोर्सेज से हो रहा है। तो इन माय ओपिनियन दिस इज परफेक्टली ऑल राइट, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। या स्टेटमेंट बी भी गलत है, किलिंग ऑल बैक्टीरिया इज इनअप्रोप्रिएट बिकॉज एक्सेप्ट सम बैक्टीरियल स्पोर्स वो डिसइंफेक्शन उसको रिमूव नहीं कर सकता। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इज इलॉजिकल, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट बचता है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने की जरूरत है। उसके बाद इस क्वेश्चन में असम्पशन रीजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउटफुल है, जो मेड इजी की जो सॉल्यूशन बुक है उसमें कुछ आंसर अलग दिया हुआ है, बट इन माय ओपिनियन जो मॉडल आंसर की है ऑप्शन ए, इसमें ये कहा गया है कि जो ऑप्शन ए और आर है करेक्ट है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो रेफरेंस के लिए मैंने कई सारी बुक्स का यहाँ रेफरेंस दिया है, जिसमें सुपर रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो होते हैं हमारे, इसमें हम एक प्लास्टिक मीडिया यूज करते हैं जिसका स्पेसिफिक एरिया काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसे हाई ऑर्गेनिक कॉन्टेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, और जो ऑर्गेनिक लोडिंग है वो 1 से 2 kg बीओडी पर मीटर क्यूब डे पर रेंज करती है। तो इसको हम 1000 से 2000 ग्राम पर डे पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सुपर रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स को हम रफिंग फिल्टर्स या बायो टावर्स भी बोलते हैं, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि प्लास्टिक मीडिया का साइज पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो डायग्राम में बायो टावर्स हैं, जिसमें ये जो आपके जो ये यूज कर रहे हैं हम अरेंजमेंट्स, दीज आर द प्लास्टिक मीडिया। बेसिकली क्या करते हैं हम, प्लास्टिक मीडिया क्या होता है, बेसिकली दीज आर द टिपिकली सिंथेटिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक मॉड्यूल्स आर यूज एज अ फिल्टर मीडिया ऑन विच बायोफिल्म इज फॉर्म। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो मीडिया है वो प्लास्टिक मॉड्यूल्स हैं जो कि यूज कर रहे हैं एज अ फिल्टर मीडिया जिसके ऊपर बायोफिल्म बन रही है। प्लास्टिक मीडिया इज वाइडली यूज वर्ल्ड वाइड एज इट प्रोवाइड्स हाई स्पेसिफिक सर्फेस एरिया, हाई वीडियो वॉइड रेशियो इन दीज प्लास्टिक मीडिया, इंटरलॉकिंग प्लास्टिक सर्फेसिस आर अरेंज्ड टू प्रोड्यूस अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज हाईली पोरस क्लॉग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, प्लास्टिक इंटरलॉकिंग प्लास्टिक सर्फेसेस आर अरेंज टू प्रोड्यूस अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब जो आपका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसमें बेसिकली प्लास्टिक की शीट्स आती हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक की शीट्स में जो मीडिया का साइज बनेगा, जो बेसिकली हनीकॉम्ब जिसके थ्रू हमारा फिल्ट्रेशन होगा, तो वो साइज पूछ रहा है। ये और रेफरेंस बुक है जिसमें लोडिंग ऑफ फिल्टर्स की बात कर रहा है, इसमें सुपर हाई रेट या रफिंग फिल्टर्स। ठीक है, यहां पे आप देखोगे साइज ऑफ मीडिया, प्लास्टिक मीडिया यूज करा जिसमें सिंथेटिक प्लास्टिक मॉड्यूल्स हम यूज करें, जिसमें जो साइज है फिल्टर मीडिया का वो 25 से 60 mm है। तो यहां पे जो प्लास्टिक मीडिया का साइज है 25 से 100 mm दिया, तो इट सीम्स अप्रोप्रिएट। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, बिकॉज ये फॉरेन राइटर की बुक है जिसमें रफिंग फिल्टर्स का जो फिल्टर मीडिया का साइज है 25 से 60 mm तक दिया हुआ है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि, और ये सुभाष वर्मा की बुक में भी ये चीज दी हुई है, अब ये बीसी पुनमिया की बुक है जहां से मेड इजी ने अपना रेफरेंस उठाया है। इन्होंने बोला कि मीडिया जो है वो प्लास्टिक शीट है और ये साइज दिया, तो यहां पर जो ये साइज दे रहा है ये प्लास्टिक शीट का साइज दे रहा है, जो बड़ा मॉड्यूल है जो सिंथेटिक मॉड्यूल लेके आया है और इसमें छोटे छोटे हमारे ब्लॉक्स होते हैं। तो हमसे साइज जो पूछा जा रहा है वो ये है, जो हनीकॉम स्ट्रक्चर बन रहा है उसका साइज हमें इंपॉर्टेंट है फिल्टर मीडिया के केस में। तो जो ये शीट का साइज इसने दिया वो ये है, और जो हमारा मीडिया का साइज होगा वो इन हनीकॉम जो स्पेसेस बन रही हैं उसका साइज होगा। ठीक है, यहां पर ये भी लिखा हुआ है
कि इंटरलॉकिंग शीट्स ऑफ प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक की शीट है उनका साइज दिया हुआ है, ठीक है, जो हम मीडिया फॉर्म करने में यूज कर रहे हैं, बट जो हनीकॉम स्पेसेस बन रही हैं उनका जो साइज बन रहा है वो 25 से 60 mm जो दे रहा है वो होगा। तो इस वजह से इसमें कंफ्यूजन हो गई है स्टूडेंट्स को, और जो आंसर की बीडीसी की बुकलेट्स में भी दी है वो इट सीम्स नॉट अप्रोप्रिएट। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो प्लास्टिक मीडिया ऑफ साइज, यहाँ पे प्लास्टिक मीडिया का साइज पूछ रहा है, ना कि प्लास्टिक शीट जिससे इस प्लास्टिक मीडिया को बना रहे उसका साइज पूछ रहा है। प्लास्टिक मीडिया प्लास्टिक शीट से बन रही है जिसका साइज वो 600 mm वो मीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है, और जो मीडिया है जो बना हमारा हनीकॉम स्ट्रक्चर जिसके थ्रू पानी फिल्टर होके जाएगा वो हमारा 25 से 100 mm होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन ए विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर दीजिए, मैं फर्दर इसमें पीडीएफ में ऐड करके स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।